हाँ जी बेटा, देखो जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी कंपाउंड को सिंपल सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, कैटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बनता है। और केमिकल फॉर्मूला याद करने लिखने के लिए आपको ये टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम टेबल ऑफ आयंस कहते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सारे हैं, तो ये याद होगा तभी हम फॉर्मूले बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। देखो जैसे सोडियम, तो सोडियम आयन का Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर 1 मतलब प्लस, कॉपर 2 होगा तो 2+, मैग्नीशियम 2+ होता है, ये सारी ना वैलेंसी हैं बेसिकली। कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन 2 और आयरन 3 होता है, तो 2 होगा तो Fe2+, इसी तरह से कॉपर 2 आ गया ना, तो कॉपर 2+, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3+, और आयरन 3 मतलब 3। तो ये अगर 3 और 2 लिखा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चा बड़े आराम से कर सकता है। अगर हाइड्रोजन लिखा हो तो H+, हाइड्राइड लिखा हो तो H-, क्लोराइड हो तो Cl-, ब्रोमाइड Br-, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, नाइट्राइड N-3। और ये वाला तो आसान है, जो ये है ना पॉली एटॉमिक वाला, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिए। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक में क्या है? अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम है बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है HCO3-। इसके बाद वी हैव कार्बोनेट CO3-, सल्फाइड SO3-, सल्फेट SO4-, एंड फॉस्फेट PO4-3। तो अगर हमें ये टेबल याद नहीं होगा तो हम केमिकल फॉर्मूले नहीं लिख पाएंगे। तो ये टेबल याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है टू राइट केमिकल फॉर्मूले। अब इस टेबल का यूज़ करके हम फॉर्मूले लिखना सीखते हैं। सो देखो, मान लो पेपर में आ गया राइट फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आपको ये टेबल याद होगा तभी कर पाओगे। देखो सोडियम, सोडियम होता है Na+, क्लोराइड होता है Cl-, तो मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे Na+1 क्लोरीन-1। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको याद आ गया होगा, तो सेम चार्जेस हैं तो कैंसिल हो गया और हमारा फॉर्मूला बन गया NaCl। तो ये हो गया। अब मान लो पेपर में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, तो हमें सोडियम तो पता है, सोडियम हो गया Na+। हाइड्रोक्साइड टेबल से देख लो, अगर ये याद होगा तभी कर पाओगे ना। तो देखो हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH-, तो ये आ जाएगा OH-1। तो पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है हमेशा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा NaOH, तो 1 1 कैंसिल हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 कर लेते हैं। मान लो पेपर में आ गया सोडियम कार्बोनेट, ये आ गया पेपर में, भाई इसका फॉर्मूला लिखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका कैसे बनेगा? तो देखो सोडियम का क्या होता है बोलो, अब याद हो गया होगा, सोडियम का है Na+, कार्बोनेट CO3-2, ये याद करना पड़ेगा ना। देखो ये रहा कार्बोनेट CO3-2, तो कार्बोनेट किया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नया फॉर्मूला बनेगा Na2, ब्रैकेट लगा दो। देखो अगर 1 1 हो ना तो कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बट अगर 2 आ जाए तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक रहता है। ब्रैकेट लगा के CO3, उसके बाद अभी सोडियम अकेला है तो
तो ब्रैकेट हटा दो तो ये बन जाएगा Na2CO3। तो ये तरीका है हमारा फॉर्मूले लिखने का। चलो इसे नोट कर लो और प्रैक्टिस कर लो। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं हम। तो अब हम ले लेते हैं लेट अस से कैल्शियम। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो कैल्शियम टेबल में देखो कैल्शियम का क्या है, Ca2+ और ऑक्साइड ये रहा O-2। तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम का 2+ ऑक्साइड का -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सेम चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया CaO। अब मान लो पेपर में आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मान लो पेपर में आ गया भी राइट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें कैल्शियम तो पता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड भी हम पीछे पढ़ के आए हैं -1 होता है। चेक करो ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। देखो ये रहा हाइड्रोक्साइड OH-1, तो टेबल याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पैरों में ले आइए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाइए, तो ये बन जाएगा CaOH2। तो ये बना हमारा फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो नोट कर लो। चलो बेटा अब हम और प्रैक्टिस करते हैं, तो आज हम फॉर्मूलों की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लो जी अगला फॉर्मूला हम करते हैं। मान लो आपको मैंने दे दिया Co1 ऑक्साइड, पेपर में लिखा आ गया Co1 ऑक्साइड, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Co1 मतलब Cu+1, 1 का मतलब +1 और ऑक्साइड हमने याद किया था अभी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu2O बन जाएगा फॉर्मूला। तो वेरी इजी, अगर पेपर में ऐसा आ जाए, पेपर में आ जाए लिखा हुआ Co2 ऑक्साइड। ठीक है, मान लो ऐसा आ गया पेपर में, तो Co2, अब आपको पता ही है Co2 मतलब +2, ऑक्साइड -2, सेम चार्जेस कट गए, तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा CuO। अब मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नोट 1, जो Co+1 होता है ना, इसको हम क्यूप्रस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्यूप्रस, कीप इन माइंड क्यूप्रस। और जो Co2+ होता है इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, कीप इन माइंड, जो छोटा चार्ज होता है ना उसमें रस लगता है, ROS रस, क्यूप्रस। जो बड़ा चार्ज होता है उसमें रिक, ठीक है, RR आएगा, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, RR, क्यूप्रिक। ठीक है, तो रिक, तो जो बड़ा चार्ज होता है, देखो ये +1 है ये +2 है, तो जो बड़ा चार्ज होता है वो रिक और जो छोटा चार्ज होता है रस, क्यूप्रस। अब इसी तरह से मैं आयरन का कराऊंगा। चलो इसे नोट करके डन बोलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी कि Co1 को क्यूप्रस कहते हैं, Co2 को क्यूप्रिक कहते हैं, ऐसे ही आयरन में होता है। तो आयरन की बात कर लेते हैं। देखो अब आयरन भी हमारे पास 2 कैटेगरी में है, जैसे आ गया Al2 क्लोराइड। ठीक है, Al2 क्लोराइड आ गया, तो Al2 का मतलब होता है Fe2+ और क्लोराइड -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा FeCl2। ये Al2 क्लोराइड हो गया। अगर पेपर में आ जाए Al3 क्लोराइड, तो ये ना वेरिएबल चार्ज होते हैं, तो अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो आपके सामने है Fe3+Cl-, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना फॉर्मूला बताइए, क्या बन गया FeCl3। तो अब जैसे मैंने कॉपर में बताया था ना कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक, वैसे यहाँ पे है, छोटा चार्ज होता है रस, बड़ा चार्ज होता है रिक। तो बस अब आप इसे याद कर लीजिए कि नोट 1, Al2+ को फेरस कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरस, और Al3+ जो बड़े चार्ज होते हैं उसको रिक, उसे हम कहते हैं फेरिक। लो बस इसे याद कर लो। तो हम कई बार Al2 को इस तरह से पूछ लेंगे, फेरस क्लोराइड, तो
तो फेरस क्लोराइड मतलब 2+ वाला आयरन, ठीक है ना। तो ये नाम है, नाम ही याद करना तो चैलेंज है, तो अगर हम नाम याद करेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। याद तो बेटा करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो नहीं कुछ भी होएगा। तो आगे बढ़ने के लिए जो भी बता रहे हैं याद करना पड़ेगा। जैसे जब आप छोटे थे तो टेबल याद करवाए ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओ, तो याद किए तो कर रहे हो। जिन्होंने टेबल याद नहीं किए वो अभी तक कैलकुलेशन नहीं सही से कर पा रहे होंगे। तो ऐसा ही है कि अगर आप बेस बनाओगे तभी तो आप चीज़ों को कर पाओगे। तो हमारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि वो बेस के ऊपर जोर ही नहीं देते, बस सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। तो उसको डेली रिवाइज करो, याद करो ये फॉर्मूले हैं, तभी टेंथ अच्छी होएगी, नहीं तो टेंथ में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा। चलो नोट करो, नोट करके डन बोलो। चलो एक बार हम दोबारा टेबल याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो क्या है हमारा टेबल? टेबल है हमारा सोडियम Na+, पोटेशियम K+। तो ये तो आसान वाला, जैसे Copper 1 है तो मैंने क्या सिखाया Copper 1 को, और क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं Copper 1 को? क्यूप्रस। Iron 2 को क्या कहते हैं? फेरस। Copper 2 को क्या कहते हैं? क्यूप्रिक। Iron 3 को क्या कहते हैं? फेरिक। अभी ये सारा करवाया ना देखो नोट की फॉर्म में, Copper 1 Copper 2 को क्या कहते हैं, Iron 2 और Iron 3 को क्या कहते हैं। तो जो छोटा चार्ज होता है देखो इन दोनों में छोटा चार्ज कौन सा है? टू, तो रस। बड़ा चार्ज रिक। यहाँ पे देखो 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो छोटे को रस बड़े को रिक कहते हैं। तो ये शॉर्टकट है याद करने का। चलो एक बार फिर से टेबल रिवाइज करके और कंपाउंड करते हैं। देखो अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये एक बार मैंने आपको दिखा दिया, अब हम इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो पेपर में आ गया सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या आ गया? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम होता है Na+, सल्फेट होता है SO4-2। अभी हमने टेबल देखा, अब आप इस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना सोडियम सल्फेट। तो टेबल याद कर लो, बहुत जरूरी है। अच्छा अगला ट्राई करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, चलो बेटा बताओ, बताओगे तो सीखोगे। बताओ क्या लिखूं हरिओम, बताओ क्या करूं? एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखूं? रितिका आप बताओ कैसे लिखूं एल्यूमिनियम क्लोराइड? एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al+3। और क्लोराइड क्या होता है? बेटा आप लोग बोलोगे ना, पार्टिसिपेट करोगे तो सीखोगे। अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर आप स्कूल में होते फिर तो बोलते हैं ना, फिर तो मैं खड़ा करके पूछ लेता। अभी आप बोल नहीं रहे आप लोग। तो देखो अभी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या बन जाएगा फॉर्मूला? सर Al1 Cl3 1 लिखने की जरूरत Cl3 नहीं। सर चलो नोट कर लो इसे, गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पार्टिसिपेट करो, बोलते रहो। चलो लेट्स डू मोर क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं, मान लो पेपर में आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, लो जी अभी से ट्राई करते हैं। एल्यूमिनियम होता है Al+3, Al हाँ, और सल्फेट होता है SO4-2। क्रॉस तो क्या एक बनेगा बताओ? लाइन Al2SO4। SO4 SO4 से ना ब्रैकेट लगा सकते हो, सब में लगा दो ब्रैकेट। 1 के लिए कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, 2, 3, 4 आ जाए तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक रहता है। तो ये नोट भी कर लो। चलो अगला करते हैं, मान लो पेपर में आ गया कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये याद होगा तभी कर पाएंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद करना जरूरी है। तो बोलो क्या बनेगा? कैल्शियम होता है Ca2+, Ca2+ हाँ, और फॉस्फेट होता है Po4-3। अब CO4-3 आप इसे ऐसे करेंगे, क्रॉस क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दीजिए Ca3, ठीक है, और क्या आएगा? PO4। ये तो CO4 सही माना जाएगा, ब्रैकेट आप हटा दो, कैल्शियम अकेला है ना तो ब्रैकेट हटा दो, तो Ca3PO42। तो PO4 का ब्रैकेट भी हटा सकते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ये एक ही है, सी और ए एक होता है कैल्शियम।
चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो, देन विल डू अदर क्वेश्चंस। चलो जी और फॉर्मूले करते हैं। मान लो पेपर में आ गया कि भाई आप फॉर्मूला लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी अमोनियम सुनिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला लिखिए। तो अब देखो अमोनियम NH4+ यस NH4+1 प्लस और हाइड्रोक्साइड होता है OH-4 है ना, -1। हाँ सेम चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ नहीं सेम चार्ज हो ना तो कैंसिल ही कर दो, सेम चार्ज को कैंसिल कर दो तो क्या बना okay. तो क्या बन गया सिंपल NH4OH। अब इसी तरह से एक और करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। लो अब इसको देखते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम होता है Al+3, फॉस्फेट होता है PO4-3। चार्जेस है ना सेम चार्जेस हैं, कैंसिल हो गए तो क्या बना, याद रखना सेम चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं। तो क्या AlPO4। यस वेरी गुड। चलो इसे नोट कर लो प्लस ट्राई करते हैं। हाँ वेरी गुड Ag+1 Cl-। आप अपनी ना कॉपी खोल के रख लो अभी सामने, तो उससे हो जाएगा देखो 1-1 है तो ये कैंसिल हो गया, तो सेम चार्जेस कैंसिल, क्या बना फॉर्मूला AgCl। अब आ जाओ नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं सिल्वर, ले लेते हैं हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं इस बार, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है ना, फॉर्मूला बदल दिया हाइड्रोक्साइड। बताओ इसका क्या बनेगा, सिल्वर Ag+ Ag+ OH-। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, अगर आ जाए सिल्वर सल्फेट है ना, देखो मैं करता हूँ सिल्वर सल्फेट, इसका फॉर्मूला बताइए, तो बताइए क्या बनेगा Ag+PO4। हाँ नहीं सल्फेट, सल्फेट होता है SO4-2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा Ag2SO4। अच्छा अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाए सिल्वर सल्फाइड है ना, अब ये फर्क है, देखिए सल्फेट था ये सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड आ गया तो क्या फॉर्मूला बनेगा Ag SO3-2। सल्फाइड है S-2 होता है, यही कंफ्यूजन होती है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आ गया सल्फाइड, क्या बना फॉर्मूला Ag2S। चलो नोट कर लो, फिर और करते हैं हम थोड़े से फॉर्मूले, मोर फॉर्मूले। लो जी अब मान लेते हैं भाई आपका आ गया जिंक क्लोराइड, मान लो आ गया जिंक क्लोराइड। अब जिंक होता है Zn2+ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बना ZnCl2। आगे मान लो जिंक फॉस्फेट, ये आ गया फॉस्फेट, तो बताओ क्या बनेगा, तो Zn+2PO4-3+PO4 2 एंड लेट्स डू सम मोर फॉर्मूले। अब मान लो आपका आ गया जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, लो जी तो हम कर देते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा Zn+2OH-4 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया
Zn2OH2. नोट कर लो, लो अब एक और जिंक से ही कर लेते हैं। मान लो मैंने आपको पूछ लिया जिंक सल्फेट, चलो इसका बताओ क्या बनेगा जिंक सल्फेट का? Zn+2 कैंसल। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल Zn+4। तो ये चीज हो गई। ओके अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, अब इस तरह से देखो, अब दे दिया मैंने फेरिक क्लोराइड, अब याद करके बताओ क्या बनेगा फेरिक, तो फेरिक है फेरिक क्लोराइड, तो इसको हम और किस सकते हैं Fe3+। हाँ आयरन 3 क्लोराइड भी कहते हैं, तो क्या बना Fe3+ क्लोराइड वन। क्रॉस कर लो तो क्या फॉर्मूला होगा FeCl3 आनी चाहिए, और ये टेबल आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैंने आपको इस टेबल को यूज करके हर चीज बता दी कैसे कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो अब हम एक और लास्ट फॉर्मूला कर लेते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं। सो देखो एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं सोडियम नाइट्राइड। ध्यान से देखना एक बार टेबल देख लो, ये रहा सोडियम नाइट्राइड, देखो ये रहा, ये है ना नाइट्राइड, NITRID नाइट्राइड, ये यूज नहीं किया था अभी तक हमने, तो सोडियम नाइट्राइड क्या बना फॉर्मूला बताओ Na+ 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 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया Na3N। ठीक है तो ये फॉर्मूला बना। एक और लास्ट कर लेते हैं, सो सोडियम आयोडाइड, मान लो मैंने दे दिया आपको सोडियम आयोडाइड। अब देखो सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम होता है Na+, आयोडाइड होता है I-, सेम प्रॉपर्टीज कैंसिल, Na+। तो बस आज हम इतना ही करेंगे, अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और इस टेबल को याद रखिए। अगर ये टेबल हमें याद नहीं होगा तो हम केमिकल फॉर्मूले कभी नहीं लिख पाएंगे और टेंथ हमारी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो टेंथ करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, केमिकल फॉर्मूले एकदम अच्छे से लिखने आने चाहिए। तो अब आपका काम है इसे याद करना और इसकी खूब प्रैक्टिस करना। तो आज हम इतना ही करेंगे।